myself Kamlesh Sharma, Department of Mathematics, Harda Degree College, Harda. Harda Degree College के इस official YouTube channel पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम समझेंगे BSc third year में एक पेपर है Numerical Analysis, संख्यात्मक विश्लेषण। उसमें एक method होती है bisection method। Numerical Analysis में जो theory of equation है, समीकरणों का हल एक चैप्टर है, उसके अंदर उन समीकरणों को हल करने के लिए अलग अलग मेथड्स दी गई हैं। वो सारी मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है, केवल फार्मूला चेंज होता है। तो हम उनमें सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट मेथड हम आज इस वीडियो से पढ़ने जा रहे हैं, वो है, उस मेथड का नाम है बाइसेक्शन मेथड। हिंदी में इसको बोला जाता है समद्विभाजन विधि या विभाजन विधि भी कहा जाता है, ठीक है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताने चलूंगा। बाइसेक्शन मेथड या समद्विभाजन विधि में आपको क्या करना है, मैंने अभी केवल एक फार्मूला बता दिया है कि आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है। इनिशियली जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको x0 और x1 ये दोनों वैल्यू आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, है ना। यदि अगर नहीं दी गई है तो हम उसको कैसे निकालेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी इक्वेशन हमें दी जाएगी या जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमें x0 और x1 की वैल्यू दी जाएगी, हम सीधे उससे यूज कर लेंगे उसको, ठीक है। तो हमें फार्मूला क्या यूज करना होगा, x2 equal to x0 plus x1 upon 2, मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू x2 निकालना है हमें, वो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि समद्विभाजन विधि है। समद्विभाजन या बाइसेक्शन मतलब दो भागों में डिवाइड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो x0 और x1 जो इनिशियल वैल्यू आपको, जो प्रारंभिक मान आपको दिए रहेंगे, उन दोनों को जोड़कर और दो से भाग दे देना है, तो अगले वैल्यू आपको निकल जाएगा, मतलब x2 निकल जाएगा। ऐसे x3 x4 सबके लिए सेम इसी तरह से हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से मैं इस मेथड को एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन है आपका, पहले मैं इंग्लिश में मैंने यहां लिख रखा है, हिंदी में इसको मैं रिपीट कर दूंगा। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x2 minus x minus 1 equal to 0 between 1 and 2 using bisection method। हिंदी में यही क्वेश्चन क्या आएगा, समद्विभाजन विधि का प्रयोग करके समीकरण x2 minus x minus 1 का मूल 1 और 2 के बीच ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सब क्या बोलेंगे हम हिंदी में, समद्विभाजन विधि के प्रयोग से समीकरण x3 - x - 1 = 0 का एक मूल 1 और 2 के बीच ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन हिंदी में दिया रहेगा, आपको क्या करना है वो हम सबसे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी उस इक्वेशन को आपको fx के इक्वल मान लेना है, समझे। जैसे कि इक्वेशन दी गई है हमें x2 minus x minus 1 equal to 0, हमने इसको एक बहुपद मान लिया, एक पॉलीनोमियल मान लिया, एक फंक्शन मान लिया, उसका नाम हमने दे दिया fx। तो जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी सबसे पहले आपको उसको क्या मान लेना है, fx मान लेना है। हमने fx सपोज किया, उसके बाद जो रेंज दी है वो मैंने यहां लिखी 1 एंड 2। मैंने बोला था ना कि आपको क्वेश्चन में इनिशियली x0 x1 दिया रहे, तो अभी हम वही क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं जिसमें हमें x0 x1 दिया है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी जो रेंज दी गई है, जैसे 1 एंड 2 दिया गया है यहां से, इसको आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये मेथड सॉल्व होती है, तो स्टेप बाय स्टेप में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो रेंज दी गई है उसमें से एक को x0 सपोज कर लेना है, एक को x1 सपोज कर लेना है। तो मैंने 1 को ले लिया x0 और 2 जो था सेकंड वाली वैल्यू उसको ले लिया x1। आप किसी को भी x0 किसी को भी x1 ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला x0 या x1 ही होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने x0 किसको लिया, x1 किसको लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, जहां से यहां हम समझते हैं, हमें निकालना है fx0। x0 की वैल्यू कितनी है, 1। हमारा fx कितना है, x3 minus x minus 1। तो हमें क्या करना है, fx0 निकालना है। तो इसमें x की जगह x0 की वैल्यू रख देता हूं, x0 की वैल्यू मतलब 1, ये 1 मैंने रखा, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया। ये होने के बाद fx0 आपका आ गया 1 का क्यूब, मतलब 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 हो गया 0, बचेगा माइनस 1। अब fx0 की कुल मिलाकर वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1 आई। इसको हम, इसका साइन क्या है, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहां लिख दिया नेगेटिव, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, साइन पे ही अगली स्टेप डिपेंड होती है, इसलिए आपको साइन जरूर लिखना है। वो भी किसका साइन, fx का। x के साइन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें fx जो फंक्शन की वैल्यू आई है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका साइन हमें देखना है, जैसे कि यहां पर पॉइंट है, कौन सा साइन आया, नेगेटिव आया, ठीक है ना। दूसरा ऐसे ही x1 हमने 2 को सपोज किया था, 2 को हमने x1 माना था, अब हम fx1 यहां से निकालते हैं,
तो इसी के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, क्योंकि यह है x क्यूब माइनस x माइनस 1, इसलिए ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1, जहां पर x था उसकी जगह मैंने 2 रख दिया। अब इस 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 माइनस 1 हो गया प्लस 5, तो ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। अब ये ध्यान रखना, आपको जो रेंज दी जाएगी वो रेंज इसी तरह से दी जाएगी कि एक के लिए नेगेटिव और एक के लिए पॉजिटिव ही आएगा f(x), ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों नेगेटिव आ जाए या दोनों पॉजिटिव आ जाए, वो अपोजिट साइन के ही होंगे। एक अगर ये मान लीजिए अगर ये वाला पॉजिटिव आता तो ये नेगेटिव आ जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रेंज हमें दी रहेगी। अब हमें निकालना है x2। x2 हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने क्या किया था, x0 x1 जो क्वेश्चन में दिया था वो सपोज की fx0 निकाल लिया, fx1 निकाल लिया, उनके साइन लिख लिए कि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, ठीक। अब हमें निकालना है x2। मैंने x2 निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या बताया कि जो x0 और x1 है उन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मेथड का नाम ही है बाईसेक्शन, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको इनका सम। तो इनका सम हमने x0 + x1 / 2, तो x0 हमारा कितना है 1, x1 कितना है 2, तो ये आ गया 1 + 2 / 2, 1 plus 2 upon 2 मतलब 3/2 हो गया। अब 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 equal to 1.5, तो ये हमारी एक स्टेप का x2 निकल चुका है, उसकी वैल्यू आई हमारी कितनी 1.5 x2 हो गया। x2 होने के बाद हम निकालेंगे अब fx2, जैसे हमने x0 था तो fx0 निकाला, x1 था तो fx1 निकाला, ऐसे ही हम fx2 निकालते हैं, ठीक। तो fx2 कैसे निकालेंगे, वही ये जो x2 की वैल्यू है इस इक्वेशन में रहेंगी। तो ये क्या थी इक्वेशन, x3 माइनस x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, ठीक है ना। जैसा fx है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर ये चलेगा। अब fx2 आया हमारा, 1.5 का क्यूब होता है 3.375, तो ये लिख दिया मैंने 1.5 का क्यूब 3.375 माइनस, ये माइनस का 1.5 और ये माइनस 1 दोनों मिलाकर हो गया माइनस का 2.5, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दिया तो fx2 का वैल्यू हमारे पास है 0.875। 3.375 माइनस 2.5 करेंगे तो ये कितना बचेगा 0.875, और इस fx का साइन क्या आया है, पॉजिटिव आया। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप चेंज करने में हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना आपका हर स्टेप में पहले x निकलेगा और उसका फिर fx निकल जाएगा। x निकल गया, fx निकल गया, fx का साइन भी पता चल गया हमें, ये पॉजिटिव आया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पर गए, सेकंड स्टेप पर गए, सेकंड स्टेप में जो वैल्यू अभी आपने निकाली है प्रीवियस स्टेप में, पुरानी या पिछली स्टेप में जो आपने वैल्यू निकाली है उसको हमेशा इस साइड रखना है, राइट साइड पर। आपकी कॉपी में भी आप राइट साइड पर ही रखो, क्योंकि इसका इस मेथड से तो उतना यूज नहीं है, लेकिन अगली मेथड में उसका बहुत यूज है कि आपने उसको राइट में रखा है, इसलिए हम इसी मेथड से ऐसी एक आदत बना लेंगे कि हमें हमेशा वैल्यू जो न्यू वैल्यू आएगी वो राइट साइड पर ही रखना है। तो हमने x2 जो निकाला था 1.5 ये रखा, उसका fx2 कितना निकला 0.875, और साथ में उसका साइन भी लिखा, क्योंकि मैंने बोला है कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका साइन लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए साइन क्यों जरूरी है, अभी मैं समझाता हूं। ये पॉजिटिव आया, अभी जो वैल्यू न्यू वैल्यू आई है हमारी वो पॉजिटिव आई है, सेकंड स्टेप में है तो हम वापस से फर्स्ट पे आएंगे, उससे प्रीवियस स्टेप पे जाएंगे, सेकंड है तो फर्स्ट पे आएंगे, थर्ड से सेकंड पे आएंगे, ऐसा। तो अभी हम सेकंड पे हैं तो उसकी प्रीवियस होगी फर्स्ट, यहां आए, इसके लिए fx क्या था, पॉजिटिव था, तो आप फर्स्ट स्टेप में से वो वैल्यू लेंगे जिसके लिए fx नेगेटिव था, समझना। अगर न्यू वैल्यू आपकी जो न्यू वैल्यू निकली है उस न्यू वैल्यू का fx पॉजिटिव है तो उसकी प्रीवियस वाली स्टेप में से वो वैल्यू लेकर आना है जिसके लिए fx का साइन नेगेटिव था। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव आता हमारा तो हम प्रीवियस स्टेप से वो वैल्यू लेते जिसके लिए fx पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि जो न्यू वैल्यू आई है उससे अपोजिट साइन वाली वैल्यू आपको प्रीवियस स्टेप से लेकर आना है। तो हमारा x2 तो ये था ही, ये तो हमें यूज करना ही है। अब हम फर्स्ट स्टेप से हमने देखा कि ये पॉजिटिव है तो इधर से हमने नेगेटिव वैल्यू यूज की है, तो नेगेटिव कौन था, x0 का था 1 और उसका fx0 कौन है -1, तो ये आ गया नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाली सेलेक्ट की हमने। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव होता तो ये x1 हम इधर लेकर आते, उस केस में हम x0 नहीं लाते क्योंकि वो भी नेगेटिव हो जाता। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू आप प्रीवियस स्टेप से लेकर आएंगे वो अपोजिट साइन के होना चाहिए जो आपकी न्यू वैल्यू निकली है उससे, ठीक है। ये दोनों निकल गई, अब ऐसे ही हमें x निकालना, उधर हमने x2 निकाला था, यहां क्या कैलकुलेट करेंगे, x3 कैलकुलेट करेंगे। x3 आ गया हमारा x0 + x2 / 2, फार्मूला वही लगेगा लेकिन यहां जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके, यहां कौन-कौन सी थी, एक x0 है दूसरी x2 है, तो x0 + x2 / 2, x0 + x2 / 2 मतलब 1 + 1.5 / 2, x3 आ गया 2.5 / 2, x3 हमारा 2.5 / 2 करेंगे तो ये आ गया 1.25।
अब जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में किया था कि x3 निकला फिर उसका fx2 निकाला, अब x3 निकल चुका है हमें fx3 निकालेंगे, तो fx3 कितना आया हमारा वही उस इक्वेशन में रखिए x3 की वैल्यू तो कितनी है 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1 x क्यूब माइनस x माइनस 1 था। अब इसका हम क्यूब करेंगे तो ये आ गया 1.953, 1.25 का क्यूब हो गया 1.953 माइनस 1.25 और 1 मिलकर हो जाएगा माइनस 2.25 इतना आया। ये निकलने के बाद अब मैं इसमें से सबट्रैक्ट कर देता हूं 1.953 में से 2.25 को जब सबट्रैक्ट किया तो ये बचा है हमारा माइनस का 0.297 ये नेगेटिव वैल्यू है fx की वैल्यू। हमें मैंने बोल रहा हूं कि fx का साइन देखना है, x के साइन से हमें कोई मतलब नहीं, तो fx हमारा क्या आ गया ये नेगेटिव आ गया। यहां भी हमने x निकाल लिया उसका fx निकाल लिया। अब हम स्टेप चेंज कर देंगे, अब हम आते हैं स्टेप नंबर थर्ड पर। जैसे कि मैंने सेकंड स्टेप में आपको बताया था कि जो वैल्यू आपकी प्रीवियस स्टेप में आई है या न्यू वैल्यू जो आई है उसको हमेशा अगली स्टेप पे राइट साइड पर रखना है। तो अभी हमने कौन निकाला है, किसकी वैल्यू निकाली x3 की, तो x3 निकाला हमने 1.25 उसका fx3 हमारा आया है माइनस 0.297 ये लिख दिया क्योंकि ये नेगेटिव साइन का, ध्यान रखना साइन का बहुत यूज है, ये नेगेटिव साइन का है। थर्ड स्टेप में है उससे प्रीवियस होगी सेकंड, अब वापस फर्स्ट पे नहीं जाना है, अब हम सिर्फ इस पे आएंगे सेकंड वाले पर आएंगे, सेकंड पर आए थर्ड पे थे तो सेकंड पर आए। इसके लिए fx नेगेटिव था तो यहां से हम fx वो सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए वैल्यू पॉजिटिव थी fx की, तो ये नेगेटिव वाला है तो इन दोनों में ये नेगेटिव है ये यूज होगा नहीं, ये पॉजिटिव वाला है x2 तो यहां हम x2 को सेलेक्ट करेंगे। क्या अब चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। ये नेगेटिव साइन वाला आया था तो उसके प्रीवियस स्टेप से हम जिसके लिए fx पॉजिटिव आया था उसको हमने यूज किया। अब x4 निकाला तो x4 निकालने के लिए फार्मूला x2 plus x3 वही फार्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहां कौन सी वैल्यू है उन दोनों को ऐड करना है। तो ये हुआ हमारा x2 plus x3 upon 2 मतलब 1.5 plus 1.25 upon 2 ये आ गया 2.75 2.75 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 1.375। अब ये आ गया हमारा x4 निकल गया, हम वैसे ही fx4 निकालेंगे। fx4 निकालने के लिए 1.375 का क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1 अब इसको हमने क्यूब किया तो ये आ गया 2.599 माइनस ये वाला दोनों ऐड हो गया 2.375 ये fx4 की वैल्यू निकल गई 0.224 जो कैसी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, अभी यहां पर क्वेश्चन हमारा एंड नहीं हुआ। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। कौन सी स्टेप हो जाएगी, अब स्टेप नंबर 4 हो जाएगी। अब ऐसा आपको कब तक रिपीट करना है, जब तक कि दो स्टेप के x आपस में मैच नहीं हो जाते। कैसा, जैसे मान लीजिए हम स्टेप नंबर अब इसके बाद होगी, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें x4 निकल गया 1.37। अब मैंने फोर्थ स्टेप की, अगर मान लीजिए फोर्थ स्टेप में भी हमारा x5 जो है वो यही निकल जाता है 1.37। ठीक, x4 में हमारा मतलब x4 कितना निकला था 1.37। आगे हम सेम प्रोसेस रिपीट करके x5 निकालते हैं वो भी 1.375 आ जाता है, तो हमारा x4 और x3 आपस में मैच हो गया। बस यहीं पर आपको अपने प्रोसेस को एंड कर देना है और इसका आंसर आपको क्या बता देना है, x equal to 1.375 यदि ये मैच होता है। तो अगर मान लीजिए इससे चेंज आ जाता 1.321 ऐसा कुछ आ जाता है तो फिर हम अगली स्टेप पे जाएंगे, मतलब x6 निकालेंगे, उस x6 को देखेंगे कि क्या वो x5 से मैच हो रहा। अगर वो मैच हो जाता है तो फिर हम वहीं पर स्टेप एंड करेंगे और फाइनल आंसर हम बता देंगे। इस तरह से आपके लिए ही ये एक होमवर्क भी है, इस वीडियो को देखकर आप इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं और नेक्स्ट स्टेप फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आप देखें कि उसमें किस स्टेप पर जाके दो स्टेप का आंसर, दो कंसेक्यूटिव स्टेप का आंसर जो है वो मैच करता है। जहां मैच हो जाएगा वही आपका फाइनल आंसर है।